बड़े टाइम से मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि मैं चिकन चंगेजी नहीं बनाऊंगा, और आपने जिद पकड़ी हुई थी कि रणवीर हम तो बनवा के छोड़ेंगे। वीडियो बने कुछ भी, वीडियो में बन रहा है रसगुल्ले, कमेंट में क्या आ रहा है? चिकन चंगेजी, चिकन चंगेजी, चिकन चंगेजी। हैं? वीडियो में बन रहा है पिज्ज़ा, कमेंट में क्या आ रहा है? चिकन चंगेजी। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और आज बनाते हैं चिकन के रसगुल्ले, आई मीन चिकन चंगेजी। म्यूजिक के बाद कॉलिंग एंड एक्शन। चिकन चंगेजी बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन और चंगेज खान की मूछें। नहीं, सिर्फ चिकन ही चाहिए। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है। अदरक लहसुन डाल दिया मैंने, नमक में डाल रहा हूँ, ठीक है ना? गैस ऑन कर दी जाए। ये लो जी, चिकन मैरिनेट कर दिया। अब चिकन को मैरिनेट करके आप कायदे से आधे घंटे छोड़ सकते हैं। अगर दही खट्टा है तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा नींबू डाल दीजिएगा, ठीक है? ये हो गया जी। देखिए जो रेसिपी है ना, इसके मेन क्या है, दो हिस्से हैं, ठीक है? एक तो है चिकन और एक है ग्रेवी, और इन दोनों को अलग से पका के मिक्स किया जाता है। क्यों? क्योंकि चिकन जो है वो ग्रेवी में इसलिए नहीं पकाया जाता कि तवे का चिकन है, चंगेजी जो है वो तवे का चिकन है, तवे पे बनता है। अगर आप पुरानी दिल्ली चले जाएं या दरियागंज चले जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े तवे होते हैं, 100-100 किलो के, उसके अंदर चंगेजी ग्रेवी पकड़ी होती है, और उसके बाद 70% पका हुआ चिकन उसके अंदर डाल के फिनिश किया जाता है, ठीक है जी? मोनोपोली जो है वो यही है, सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो चिकन चंगेजी प्रेशर कुकर में बनाएंगे, क्योंकि आप बनाने जाएंगे चंगेजी, बन जाएगी चिकन करी, लोग बोलेंगे क्या बना दिया, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है ना रणवीर, सब बताए थे। चिकन मैरिनेट हो रहा था, ग्रेवी बना रहा हूँ मैं। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत है, इतना मैं ना एक्साइटेड हो जाता हूँ प्याज को देख के, तो मैं ऐसा एक्साइटेड हो जाता हूँ जैसे पता नहीं, जितना एक्साइटेड मैं होता हूँ उतना प्याज मेरे को रुलाता है। तो ग्रेवी के लिए प्याज को भून लेना है, ठीक है? एकदम उसको ब्राउन नहीं करना, वो तो डीप फ्राई वाला ब्राउन नहीं करना, ठीक है? प्याज को भून के काजू के साथ और मसालों के साथ प्याज का एक पेस्ट बनेगा, और टमाटर की प्यूरी बनेगी। बेसिकली टमाटर लिया जाएगा, टमाटर को मिक्सी में डाल के पीस लिया जाएगा, और पीसने के बाद उसको छन्नी से, मोटी छन्नी से छान लिया जाएगा। टमाटर को बॉयल करना, छिलका निकालना, वो सब कुछ भी ज़रूरी नहीं है। टमाटर की प्यूरी बना लीजिए। नहीं जी, आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं यहीं खुश हूँ। सब्सक्राइब करते नहीं आप हैं? नहीं मतलब करते हैं तो फिर करवाते नहीं हैं। कुछ तो चाहिए ना मेरे को बोलने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब लीजिए। ताज़े टमाटर की कैंड वाली टोमेटो प्यूरे मत यूज़ करिएगा, बस ये दो ही चीज़ें देखिए मैंने बना रखी है यहाँ पर, ठीक है ना? ये फ्रेश टोमेटो प्यूरे यूज़ करनी है अपने, वो कैन वाली नहीं करनी है। टोमेटो प्यूरे अगर आपको छाननी है छानिए, नहीं छाननी है मत छानिए, क्योंकि वैसे भी ये बहुत रिफाइंड डिश नहीं है। चिकन चंगेजी जो है वो चंगेज़ खान के दरबार में कभी नहीं बनी है, ये बनी है दिल्ली की खूबसूरत गलियों में, एक सुपर टेस्टी डिश, समझे आप? और स्ट्रीट फूड जो है ना उसमें दरदरापन ज़रूरी है, जैसे मखमलीपन रॉयल खाने का टेक्सचर है, वैसे ही दरदरापन स्ट्रीट फूड का टेक्सचर है, और खाने में टेक्सचर इज़ एवरीथिंग। देखिए ये प्याज जो है अभी दोबारा भुनेगा, इसलिए इसको वैसे डार्क ब्राउन नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्राइड अनियन जो ब्राउन वाला है, बरिस्ता वाला प्याज जो है, वो हम तब करते हैं जब प्याज को ज़्यादा पकना नहीं होता वापस, क्योंकि आपने पहले उसका बरिस्ता बना लिया, मतलब गोल्डन ब्राउन कर लिया, बाद में उसको फिर पकाया तो प्याज हो जाएगा कड़वा, ओवर कुक हो जाएगा ना। इसलिए जब प्याज को दोबारा भूनना है तो ऐसे ही निकालना है, देखिए एकदम लाइट ब्राउन जूसी जूसी। 1 किलो चिकन के लिए 3 बड़े प्याज या 4 से 5 मीडियम प्याज बहुत है। अब काजू, हेलो जी, काजू को भी लाइट ब्राउन ही निकालना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कलर अपने आप पकड़ता रहेगा ना, ये काजू बहुत धोखेबाज है, तेल से निकालने के बाद भी रंग बदलता रहता है गिरगिट की तरह।
अब इसका बनेगा पेस्ट, थोड़ा नमक डाल देता हूँ। पेस्ट आप बारीक भी बना सकते हैं, दरदरा भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत दरदरा मत बनाइएगा, राइट। थिकनिंग चाहिए ना, तो थोड़ा सा उसको पिसने दीजिए, तभी उसका गाढ़ापन प्याज का और काजू का ग्रेवी में आएगा। ये दीजिए, गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे, और तेल हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते क्योंकि इसी तेल में टेस्ट है। जो चिकन मैरिनेट किया था उसको पकाने की बारी है साहब। चिकन का मैरिनेशन थोड़ा स्ट्रांग रखें आप, उसका मज़ा वही है। जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह ठोक के क्या है कि दही डाइल्यूट करेगा, चिकन के जूसेस डाइल्यूट करेंगे, तो मैरिनेशन अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रांग रखिए। चिकन विद बोन, बोनलेस चिकन में कोई चंगेज़ अंगेज़ नहीं बनता साहब, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। अगर ओवन है तो ओवन में डाल दीजिए, तंदूर में डाल दीजिए अगर तंदूरी चिकन यूज़ करना है तो, नहीं तो ऐसे ही उसको अच्छे से तेल घी में पका लीजिए। मज़ा आ गया साहब, मज़ा आ गया। बेसिकली इसको पकाना है बस 50-60%, हाँ उससे ज़्यादा नहीं पकाना है चिकन को, मैक्सिमम 70%, मतलब हड्डी के पास से चिकन नहीं पकना चाहिए, लेकिन कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ तवे पे पक रही है तो तवे पे पूरा चिकन ऐसे तो पक नहीं सकता, राइट। लेकिन अगर आपने पहले ही पूरा पूरा पका दिया तो फिर तवे पे ड्राई हो जाएगा, इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचा के रखना है, ना ज़्यादा ड्राई होने देना और ना ज़्यादा कच्चा रहने देना। डन, अभी ये साफ़ करके तवा, इसी के ऊपर बन जाएगी ग्रेवी और हो जाएगा अपना काम फटाफट से। ब्यूटिफुल भैया, ये सब मोनोपोली है, इसमें जो पूरा जो तेल है इसी में पूरा फ्लेवर है, यही इसकी मोनोपोली है, वेस्ट कुछ नहीं करना। फैंटास्टिक। अभी जो चिकन ड्रमस्टिक होती है ना, मैं अक्सर बता चुका हूँ, यहाँ पर उसमें ऐसे एक इलास्टिक टाइप की चीज़ होती है, ठीक है, इसको काटना ज़रूरी है वरना मीट जो है वो टाइट हो जाता है, ठीक है जी। बस ये ज़रूर कर लीजिएगा, आप हाथ लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, एकदम रबर बैंड टाइप की जगह होती है, उसको मैंने ऐसे करके काट दिया, देख रहे हैं यहाँ पर जो खिंचाव था वो बंद हो गया, ये देखिए, ठीक है। बस सब बता दिया मैंने, छुपा के कुछ नहीं करते हम, अगर हमें कुछ पता है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, वो तो घोर पाप है, घोर पाप। ये वो थोड़ा तेल पड़ा हुआ है जिसमें प्याज फ्राई किया था, इसमें बहुत सारा टेस्ट है, इसलिए हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब सारी दुनिया एक तरफ और फ्राई प्याज का तेल एक तरफ साहब। मैंने गलत कपड़े पहन लिए हमने इस डिश के लिए, नई नई जैकेट छीटम छीट हो गई, बताइए। देखिए, दो भाग टमाटर रहेगा इसमें और एक भाग अपना प्याज वाला मसाला रहेगा, ये है प्रपोर्शन, ये लो जी, दो भाग टमाटर एक भाग प्याज वाला मसाला। अब लग रहा है कि रंग आ रहा है चंगेजी वाला, आप समझ लीजिए कि इसकी पूरी फिनिशिंग जो है ऐसे ही होनी चाहिए, एकदम फ्लैट पैन में, वही मज़ा है, हांडी में नहीं, ऐसे फ्लैट पैन में। सब कुछ अलग अलग था, देखिए प्याज का मसाला अलग था, टमाटर अलग था, चिकन अलग है, सबका जो मिलन है फ्लेवर्स का टेक्सचर्स का, सब ऐसे ही तवे पे होना चाहिए, वही असली चंगेजी है, नहीं तो फिर क्या कोरमा हो गया ना। अभी आपने सब कुछ मिला दिया, प्याज टमाटर काजू, अब इसको धीरे धीरे चलाते रहना है, पकाते रहना है, बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये चल और पक रहा है तब तक आप एक काम करिए, चिकन चंगेज़ी की सुन लीजिए कहानी, क्योंकि चंगेज़ खान तो आए नहीं दिल्ली, तो डिश कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब भी तो देना है ना। ओके जी, तो अब ये जो है चिकन चंगेज़ी की जो कहानी है आपको सुनाई जा रही है इंग्लैंड से, क्यों, क्योंकि मैं इंग्लैंड आ गया हूँ और मैं कहानी जो है वो बताना भूल गया था, तो इससे पहले मुझे डंडे पड़े टीम से, मैंने कहा सुना देता हूँ। तो कहानी है कि देखिए, चंगेज़ खान उर्फ गेंगीज़ खान कभी हिंदुस्तान आए नहीं, लाहौर के आगे जो है बड़ी मुश्किल होती है लोगों को आने में, तो जब वो आए नहीं तो चंगेज़ी चिकन कैसे आ गया, है पॉसिबल नहीं है ना। तो भाई यूं है कि मंगोलपुरा करके, मुगलपुरा करके एक जगह थी दिल्ली में, ये कहा जाता है कि जो सैनिक वगैरह साथ नहीं जाना चाहते थे पुराने राजाओं के, तो वो बस जाते थे, तो कहते हैं कुछ
पुराने मुगलों के टाइम के, चंगेज खान के टाइम के लोग आके मुगलपुरा, जो आज का पहाड़गंज है, वहां पे बसे थे। और वहां पे बसने के बाद उन्होंने अपने किस्म का खाना जो है वो बनाना शुरू किया। लेकिन चिकन चंगेजी जो है वो मुगलई या मुगलों का खाना नहीं हो सकता, बिकॉज इतने हिंदुस्तानी स्पाइसेस हैं उसमें। उस टाइम मंगोल्स डिड नॉट नो हाउ टू कुक विद स्पाइसेस। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चंगेजी भी अपना है और चंगेज खान को भी हिंदुस्तान नहीं आए थे। देखो जी, डन है मामला, अब कुछ नहीं रह गया इसमें, बहुत आसान है। अब रह गए मसाले। मसाले में अगर आपको पीली मिर्च का पाउडर मिलता है ना, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है चंगेजी के लिए। लेकिन अगर पीली मिर्च का पाउडर नहीं मिलता, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास पीली मिर्च नहीं, हम नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, लाल मिर्च डाल दीजिए, वो देगी रंग वाली, ठीक है। पीली मिर्च का पाउडर लखनऊ दिल्ली वालों को तो आराम से मिल जाएगा, बाकी भोपाल वालों को भी मिल जाएगा, बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते हम। बाकी के मसाले डाल देते, मैंने बीच में ना थोड़ा दही डाल दिया था, दही से रिचनेस आती है। कुछ लोग दूध भी डालते हैं, कुछ लोग जो है स्टेज पे क्रीम भी डालते हैं। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। क्रीम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फैट दे देती है, दही अच्छा है। अगर आपके टमाटर बहुत खट्टे हैं तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर आपका दही खट्टा है तो टमाटर खट्टे नहीं होने चाहिए। अगर टमाटर दही दोनों खट्टे हैं तो फिर क्रीम डाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। ये भी बता दिया आपने, फैंटास्टिक, हो गया जी मामला सेट, ठीक है। इसको भुनने का वक्त देना है तवे के ऊपर। मेन जो मोनोपोली है वो यही है। आप देखिए 10 मिनट हो गए, मैं लगा हुआ हूँ धीरे 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 धीरे। और ये थोड़ा सा जो दरदरापन बोला था ना मैंने, आप ये देखिए, बिल्कुल चिकनी मखमली ग्रेवी नहीं है। एक दरदरा तवे मसाले वाला जो टेक्सचर है वो बड़ा ज़रूरी है। स्मूथ एंड वेलवेटी इज फॉर द रॉयल्स, स्ट्रीट फूड इज रियल फूड, इट नीड्स टू बी रियल। देखा कितनी अंग्रेजी आ गई मेरे को, ये गया चिकन। जब अपना मसाला पूरा रेडी हो गया ना, 5 मिनट की कसर बची थी तब डाला हमने चिकन। क्यों? क्योंकि चिकन और मसाला एक साथ पकना चाहिए, इस डिश की मोनोपोली वही है। और ढकना नहीं है, ऐसे खुले में ही पकाना है। ढक दिया तो फिर तवा कुकिंग कैसे हुई? वो फिर तो पतीला हो गया ना। अगर तवा कुकिंग है तो ऐसे ओपन में होनी चाहिए। ब्यूटीफुल भैया, मुंह में आ रहा पानी, समझे आप? बहुत जोर से वो भी। तो भैया मुंह में आ रहा है पानी और वो भी बहुत जोर से। चिकन मसाला सब आना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा हुआ फिर बताइए, इतनी मेहनत करने का। देखो जी, कायदे से जो है चंगेजी को खाया जाता है खमीरी रोटी के साथ। खमीरी रोटी जो है ना, वो सारा का सारा फैट जो है वो पी लेती है। लेकिन अगर चपाती है, चपाती ले लीजिए, चपाती के ऊपर घी मत लगाइए। और उसके बाद ऐसे करिए, ऐसे करिए, उसके बाद मजे से खाइए। अगर आप गरम मसाला डालना चाहते हैं ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए। बट इसकी जो खूबी है वो यही है कि रॉ रियल और रस्टिक है, मतलब धनिया का फ्लेवर बराबर आ रहा है जो आपने खड़े मसाले डाले हैं। उसका फ्लेवर बराबर आ रहा है। और अगर पीली मिर्च होना डालिएगा ज़रूर, बनाइएगा ज़रूर, बहुत कमाल की रेसिपी। आसान कर दिया आपके लिए मैंने, बड़े टाइम बाद बैठ के मैंने कहानी भी सुना दी डिश की, है ना। चल मजा आ गया।